सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस एनिमे हिंदी। जैसे कि तुम सबने थंबनेल और टाइटल देखा है, आज हम लोग बात करने वाले हैं लूफी के न्यू पावर निका से रिलेटेड। सबसे पहले तो भाई, इस वीडियो को देखने से पहले तुम्हें मैं दो काम देता हूँ, जाके पहले चैप्टर 1044 को रीड करो, उसके बाद मेरा चैप्टर का रिव्यू देखो और फिर आकर के ये वाला वीडियो देखो। अब चलो हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं। जैसा कि तुम सबने मेरा प्रीवियस वीडियो देख लिया प्लस चैप्टर को भी रीड कर लिया, तुम जरा गौर करना मैंने कल वीडियो में क्या बोला था। ये डेविल फ्रूट अवेकनिंग नहीं है, जिस पर तुम सबने बवाल खड़ा कर दिया, उसने कैसे फिर जमीन को उठा करके रबर में चेंज कर दिया वगैरह वगैरह, ये सारी चीज देखो। वीडियो को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, पहले मेरी बातें सुन लो, मैं बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों बोला था। सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाओ कि लूफी ने उस डेविल फ्रूट को अवेकन नहीं किया है, वो डेविल फ्रूट खुद से अवेकन हुआ है। अब वो कैसे, वो भी मैं बताता हूँ। लूफी 4 बार काइडो से पिट चुका है और वो अपना 100% देने के बावजूद भी उसे हरा नहीं पा रहा था, उल्टा कूट रहा था। ये चीज डेविल फ्रूट ने रियलाइज किया कि ये बंदा वानों के लोगों को फ्री करवाना चाहता है और वो उसके लिए इतने बार हारने के बावजूद वो बार बार उठ रहा है और उससे फाइट कर रहा है, और यही वजह है जिस वजह से वो डेविल फ्रूट खुद से अवेकन हुआ। उस डेविल फ्रूट ने डिसाइड किया कि मुझे इसे अपनी पावर देनी पड़ेगी, वरना ये ऐसे ही लड़ते लड़ते मर जाएगा। अब हाँ, तुम में से कोई आके ये बात जरूर पूछेगा कमेंट बॉक्स में, अगर मैंने ये बात को नहीं बताया कि भाई उस डेविल फ्रूट ने ये चीज कैसे रियलाइज किया। मैंने तुमको बोला था ना, जाके पहले लेटेस्ट मांगा चैप्टर रीड करो, वहां पर हमें बताया है ओडा ने साफ साफ गोरोसे के द्वारा, जहां पर 5 बुड्ढे बात कर रहे होते हैं, वहां पर हमें पता चलता है कि भाई जोआन डेविल फ्रूट की खुद की सोचने की क्षमता होती है। तो ऑब्वियसली यार, इस चीज को वो डेविल फ्रूट रियलाइज कर सकता है। अब कुछ लोग यहाँ आकर के बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है वो डेविल फ्रूट खुद से अवेकन हो या फिर लूफी उसे अवेकन करे। भाई फर्क पड़ता है, और जमीन आसमान का फर्क पड़ता है, बताता हूँ कैसे। लूफी का ये जो अवेकन वाला फॉर्म है ये इनकम्प्लीट है। जब लूफी काइडो के बोलो ब्रीथ को काउंटर करने के लिए वो जमीन को पकड़ के उसको रबर में चेंज कर देता है और उसे उठा देता है, उसके बाद उस बोलो ब्रीथ को रिफ्लेक्ट कर देता है, भाई ये उसका रबर वाला अवेकनिंग है। जबकि इसका ट्रू अवेकनिंग या फिर कह लो ट्रू पावर उसके इमेजिनेशन पे लिमिटेड है। मतलब सीधे भाषा में कहूँ तो उसके पावर का कोई लिमिट नहीं है, वो उसके इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। अब ये बात मैं हवे हवे में नहीं बोल रहा हूँ, ये बात लेटेस्ट मांगा चैप्टर में साफ साफ बताया गया है। हो गया डेविल फ्रूट का बात, अब हम आते हैं लूफी पे। उसको अपने डेविल फ्रूट के बारे में खुद कुछ नहीं पता, उसे ऐसा लगता है कि ये उसका पीक है जिसे वो गियर 5 कहता है। मतलब उसको ये खुद रियलाइज नहीं है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। अच्छा, अब भी डाउट है, रुको मैं तुमको एक और पॉइंट देता हूँ। डॉफ्लामिंगो ने एक बार कहा भी था, डेविल फ्रूट कैन डू वे मोर देन दैट, देयर से होल न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज आफ्टर द अवेकनिंग। हाँ भाई, तुम सही समझे, डेविल फ्रूट अवेकनिंग के बाद क्या क्या चीजें कर सकती है ये चीज तुम सोच भी नहीं सकते। अब शायद किसी को डाउट नहीं रह गया होगा, अब हाँ तुम इसको अवेकनिंग कह सकते हो, लेकिन अगर कोई बंदा बोले कि ये अवेकनिंग नहीं है तो इस पे भी हैरान मत होना, वो एक तरह से गलत नहीं कह रहा। अब जो ब्लीच फैंस है उन लोगों को ये बात ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जिस तरह से हमें ब्लीच में इचिगो का पहला बांकाई दिखा था, तुमको याद होगा, उसको बांकाई कह सकते हैं, बट उसका ट्रू बांकाई हमें बहुत आगे जाकर के देखने को मिलता है, वो होता है उसका ट्रू बांकाई, एक्चुअल वाला जो उसका बांकाई है। वैसे ही लूफी के साथ है, ये मेरे हिसाब से जितने भी मैंने अभी तक पॉइंट्स दिए, ये इसका ट्रू अवेकनिंग नहीं है, इसका एक्चुअल वाला जो अवेकनिंग है ना वो अभी तक दिखना बाकी है, जो कि फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा। अब आते हैं काइडो पे। बहुतों को ऐसा लग सकता है कि काइडो का अवेकनिंग हमें नहीं देखने को मिलेगा, और तो और बहुतों को ये भी लग सकता है काइडो फ्यूचर के 2 से 3 चैप्टर्स में हार जाएगा। भाई फिर उसके कैरेक्टर के साथ ना मजाक हो जाएगा, भाई वो काइडो है स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर इन दी वर्ल्ड। जब भी लूफी वर्सेस काइडो की फाइट हुई है, काइडो को कभी ऐसा कहते सुना है या फिर कभी ऐसा टेंशन लेते हुए दिखाया गया है कि मुझे इसको हराना ही पड़ेगा वरना मेरे हाथ से वानो चला जाएगा, ऊपर से योंको का ताज भी जा सकता है। इस चीज को लेकर के कभी काइडो को टेंशन लेते देखा है? उल्टा भाई वो मजे ले रहा है, और भाई कोई भी मजे कब लेता है, जब उसको रिजल्ट का टेंशन ही नहीं रहता है। बट दिस टाइम काइडो टेंशन लेगा कि अगर मैं यहाँ पर हारा तो मेरे हाथ से वानो जाएगा। और एक बात सुनो तुम,
जॉन डेविस रूट की खुद की सोचने की क्षमता होती है, जो कि हमें लेटेस्ट चैप्टर में बता दिया गया। तो यार काइडो का भी तो जवान है, क्या सोच रहे हो सामने बस वो बैठ करके लूफी को नाचते देखेगा? भाई वो भी अपना अवेकनिंग करेगा। हाँ वो बात अलग है, अगर ओडा उसका अवेकनिंग हमें नहीं दिखाना चाहता तो जाकर के हमें काइडो का अवेकनिंग नहीं देखने को मिलेगा, वरना भाई यहाँ पर तो ज्यादा चांसेस यही बनते हैं कि यहाँ पर हमें काइडो का अवेकनिंग देखने को मिलना चाहिए। प्लस मैं तुमको एक और पॉइंट देता हूँ, दो एडमिरल्स की जब आपस में फाइट हुई थी, पंख हजार्ड का क्या हाल हुआ था तुम्हें याद होगा। भले ही वो फाइट हमें दिखाया नहीं गया पर वो बहुत ज्यादा खतरनाक था, उसका रिजल्ट देख के हमें मालूम पड़ता है। क्या अभी तक लूफी वर्सेस काइडो के फाइट में ऐसा कुछ नजर आया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट अब ओडा हमें दो योंको लेवल कैरेक्टर्स की फाइट दिखाएगा, वो भी पूरी खतरनाक वाली। यहाँ वैसे मैंने दो योंको लेवल कैरेक्टर बोला है, जिसमें से एक योंको पहले से है और दूसरा को मैंने योंको लेवल कैरेक्टर बोला है। आज इससे पहले मैंने कभी भी लूफी को योंको लेवल नहीं बोला, बिकॉज वो नहीं था उस वक्त। बट अब निका के पावर के साथ वो एक योंको लेवल कैरेक्टर है। आई होप कि तुम्हें मेरी बात समझ में आई होगी, मैंने क्या क्या बताया और शायद जो कुछ भी डाउट था मैंने जो है क्लियर कर दिया। कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना चालू कर दो, तुम्हारा क्या मानना इस वीडियो से रिलेटेड बातें। प्लस अगर तुम फ्यूचर में कोई वीडियो देखना चाहते हो तो उससे रिलेटेड भी कमेंट करना शुरू कर दो। और हाँ यार, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मारना मत भूलना। साथ ही साथ अगर तुम घूमते घामते इस चैनल पे नए आ गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ यार बेल आइकन भी ऑन कर देना, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तुम्हें नोटिफिकेशन चल जाएगा। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।